मेरे ना तीन दोस्त पार्क में खड़े थे, जिनमें से एक दोस्त के सर के ऊपर मच्छर मंडरा रहे थे। क्या आपको पता है ये मच्छर बाबू हमारे सर के ऊपर क्यों मंडराते हैं? दोस्तों आप सबको पता होगा आपके पीसी और मोबाइल के कीबोर्ड, एक मिनट देख लेने दो, QWER से शुरू होते हैं, पर ABCD से शुरू क्यों नहीं होते? ऐसा कौन सा कारण था जिसकी वजह से कीबोर्ड के बटन्स को गलत एस्टैब्लिश करना पड़ा? मित्रों आपकी बाइक की माइलेज कितनी है? 40, 45, 60 और कार की कितनी होगी? 10 से 20 के अंदर। पर क्या आपको पता है कि एक प्लेन की माइलेज कितनी होती है? उसकी पर किलोमीटर एवरेज क्या है? कितना ईंधन खाता है? और एक और राज की बात, क्या आप सबको पता है कि बॉलीवुड की जितनी भी मूवीज होती हैं, ये फ्राइडे के दिन ही क्यों रिलीज होती है, यानी कि शुक्रवार? दोस्तों आज से मैंने एक नई सीरीज शुरू की है जिसका नाम है मन के सवाल। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मन की बात नहीं, मन के सवाल। क्या तकलीफ है इनको? ऐसे सवाल जो आपके दिमाग में हमेशा चलते तो रहते हैं, पर आपके पास टाइम ही नहीं है उनका जवाब ढूंढने के लिए। मेरे सवालों का टेंशन मत लो, जवाब मैं देता हूँ ना आपको। कृपा करके आगे आने की कोशिश मत कीजिए। हेलो व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग बकचोदी वाला टैक। तो ज्यादा टाइम का चुतिया ना काटते हुए चल गुरु हो जा शुरू। नंबर 12, ट्रेन के डीजल इंजन को बंद क्यों नहीं किया जाता? दोस्तों आप सबने देखा होगा जब भी आप रेलवे स्टेशन पर जाते हो तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि डीजल इंजन यानी कि ट्रेन के डीजल इंजन को कभी भी बंद नहीं किया जाता। चाहे ट्रेन जितने मर्जी घंटे वहां पर खड़ी रहे, पर ट्रेन का इंजन कभी भी बंद नहीं करते। इसके काफी कारण है। नंबर 1, ट्रेन के इंजन को दोबारा स्टार्ट करने में करीब 20 मिनट से 25 मिनट लग जाते हैं। नंबर 2, ब्रेक पाइप का प्रेशर कम हो जाता है जिससे ब्रेकिंग सिस्टम फेल भी हो सकता है। इसके अलावा भी काफी टेक्निकल रीजंस हैं, पर मेन पॉइंट्स आपको बता दिए। नंबर 11, दोस्तों आपके मन में कभी ना कभी ये बात तो आई होगी कि दूध का रंग सफेद क्यों होता है? अब जिसको इस सवाल का जवाब नहीं पता तो सुनो, दूध में 87% पानी होता है और 13% विटामिन, कैल्शियम, मिनरल, फैट और प्रोटीन होता है, और इसी 13% की वजह से दूध का रंग सफेद होता है। इसके अलावा दूध के अंदर टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है जो बिल्कुल सफेद रंग का होता है, और जब लाइट उस पर गिरती है तो वो उसे रिफ्लेक्ट करता है जिसकी वजह से दूध का रंग सफेद दिखाई देता है। नंबर 10, दोस्तों क्या आपको पता है कि डॉक्टर्स रात को मरे हुए व्यक्ति की कभी भी पोस्टमार्टम नहीं करते? आपको लगता होगा कि डॉक्टर्स की रात के वक्त मरे हुए व्यक्ति को देख के फटती होगी, पर ना, डॉक्टर्स का मरे हुए व्यक्ति के साथ ऐसा रिश्ता होता है जैसे हमारे फूफा का हमारी बुआ के साथ। जैसे फूफा जी को बुआ के मायके की कोई भी चीज पसंद नहीं आती है ना कोई कमी तो निकाल ही देता है साला, बड़ा कमीना होता है फूफा। वैसे ही डॉक्टर्स जब रात को पोस्टमार्टम करेंगे तो चोट का रंग बैंगनी नजर आता है, बैंगनी रंग का, तो इसमें भी एक कमी निकल गई। जहां पर लाल रंग की चोट दिखनी चाहिए वहां बैंगनी रंग की चोट दिखती है, तो इसी वजह से पोस्टमार्टम दिन के वक्त किया जाता है ना कि रात को। वैसे फूफा लोगों के सामने तेरी सच्चाई लाके तेरी पोल खोल दी, अब जो उखाड़ देना उखाड़ लेना। नंबर 9, हमें डकार क्यों आती है? हमें खाना खाने के बाद अक्सर डकार आती है, कई बार तो खाली पेट भी डकार आ जाती है। इसका कारण यह है कि जब हम भोजन को निगलते हैं तब हवा भी हमारे पेट में चले जाती है, और जब हवा अधिक मात्रा में हमारे पेट में चले जाती है तो हमारा ब्रेन एक संदेश भेजता है कि इस हवा को बाहर निकालो, जिसके बाद आपकी मांसपेशियां ये हवा को बाहर निकालती है आपकी खाने वाली नली और सांस की नली से। नेक्स्ट टाइम अगर आपको डकार आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पेट भर चुका है, इसका मतलब सीधा साधा ये है कि आपने हवा खाई है। हवा खाते रहो और डकार मारते रहो। नंबर 8, सांप के पैर क्यों नहीं होते? वैसे तो ये एक सिंपल सा सवाल है, पर जिसको अभी तक नहीं पता तो जान लो, साइंटिस्ट ने 90 लाख साल पुराने सांप के अवशेषों पर स्टडी करके ये पता लगाया कि सांपों के पैर ना होने की वजह है सांपों के पूर्वज के कर्मों का नतीजा। सांपों के पूर्वज चौड़े होकर बिलों में घुस जाते थे जहां उन्हें रेंगना पड़ता था, जिससे सांपों को रेंगने की आदत पड़ गई और पैरों का इस्तेमाल होना बंद हो गया। ऐसा पीढ़ी दर पीढ़ी होता गया और उनके पैर लुप्त हो गए। आजकल के सांपों को उनके पूर्वज के किए गए कर्मों का नतीजा भुगतना पड़ रहा है। नंबर 7, दोस्तों आप सबने देखा होगा कि अगर आप लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे रहते हो तो आपके हाथ या पैर सुन्न होने लगते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? चींटियां दौड़ने लग जाती हैं। आमतौर पर हमारे हाथ पैर इसलिए सोते हैं जब भी हम अपने किसी बॉडी पार्ट पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालकर बैठते हैं, वो भी लंबे समय के लिए, जिससे ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है। तो इसके लिए आप अपने सोने और बैठने की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो चलो अब आते हैं हमारी वीडियो की सबसे एडवांस और स्पेशल और मजेदार सवालों के ऊपर, पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ऑक्टोपस कॉपी ट्रेडिंग ऐप के बारे में। यहाँ पर दुनिया भर से हजारों लोग पैसा कमा रहे हैं। ये एक वर्ल्ड नॉन स्टॉक प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म है जहाँ फुल ट्रेड्स जिनको मास्टर कहते हैं वो मिलते हैं। कॉपियर से जो आप होते हैं, जो मास्टर ट्रेडर्स होते हैं, जो बहुत मोटिवेटेड होते हैं आपकी मनी को ग्रो करने के लिए, क्योंकि उन्हें कमीशन मिलता है आपके प्रॉफिट में से। वो जितना बेहतर ट्रेड करेंगे आप दोनों उतना ही कमा पाओगे। आप सिंपली ओक्टा FS कॉपी ट्रेड ऐप को डाउनलोड कीजिए। इसमें आपको मास्टर्स की लिस्ट मिलेगी जहां आप इनकी अचीवमेंट और परफॉर्मेंस को देख के सिलेक्ट कर सकते हो, इनकी इन्वेस्टमेंट की टेक्निक्स को कॉपी कर सकते हो। सो स्टार्टिंग जस्ट विद $30 आप कुछ ही दिनों में $600 भी कमा सकते हैं। अभी तक मैंने $786 अर्न कर लिए हैं। आप सिंपली यहां डिपॉजिट और विड्रॉ भी कर सकते हैं। आप पैसा पेटीएम, बिटकॉइन, नेटलर्स, स्क्रिल और लोकल इंडियन बैंक में भी डलवा सकते हैं। आप अपना अकाउंट बनाइए डिस्क्रिप्शन में दिए गए फर्स्ट लिंक से और 50% का बोनस पाइए फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पे, और बेहतरीन ट्रेडर्स को आपके द्वारा मनी बनाने का मौका दीजिए। दोस्तों, हमारी बाइक 40 से 50 और कार 10 से 15 या 20 के बीच एवरेज देती है, माइलेज देती है। पर क्या आपने कभी यह सोचा है कि एक हवाई जहाज कितना माइलेज देता है? एक बोइंग 747 10 घंटे की उड़ान में 1.5 लाख लीटर ईंधन खर्च कर देता है। ये प्लेन 1 किलोमीटर के लिए 12 लीटर तेल खर्च कर देता है। वैसे कुछ ज्यादा तो नहीं है, नॉर्मल ही है। नंबर 5, दोस्तों आप अपने डॉक्टर्स की राइटिंग देखी होगी यार, बड़ी गंदी होती है। ये डॉक्टर भाईजान ऐसी गंदी हैंडराइटिंग क्यों करते हैं? और इसी के चलते हर साल 7,000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं इनकी गंदी हैंडराइटिंग के चलते। क्या आपको पता है कि डॉक्टर्स ये जानबूझकर करते हैं? पर क्यों करते हैं? एक स्टडी के अनुसार ये पता चला है, जब डॉक्टरों से पूछा गया कि इसका क्या कारण है कि आप एक गंदी सी राइटिंग लिख देते हो, क्या कारण है, तो डॉक्टर्स ने बताया कि जब हम डॉक्टर्स की पढ़ाई कर रहे होते हैं तो वहां बताया जाता है कि सब कुछ जल्दी जल्दी करना है। इसके अलावा एग्जाम्स भी बहुत कम समय में दिया जाता है, जिससे जल्दी लिखने की आदत में बदल जाती है। आप भी एक बार जल्दी लिखना सीख लो तो आपको 100% डॉक्टर्स की लिखावट समझ में आ जाएगी, ये मेरा वादा है। दोस्तों, स्मार्टफोन और पीसी के बटन्स की अगर बात करें तो QWER से शुरू होते हैं, ABCD से शुरू क्यों नहीं होते? दोस्तों, ये प्रथा 1874 के टाइपराइटर से चलती आ रही है। जब उस वक्त टाइपराइटर पर ABCD के क्रमांक पर सीधा रखा गया तो बटन्स जाम होने लगे और एक के बाद एक बटन्स दबाने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उस वक्त बैकस्पेस का भी बटन नहीं हुआ करता था, जिसकी वजह से कीबोर्ड के बटन्स को उल्टा फुल्टा करना पड़ा। नंबर 3, दोस्तों काफी लोगों का पता होगा कि बॉलीवुड फिल्में फ्राइडे के दिन ही रिलीज होती हैं, यानी शुक्रवार को। पर ये रिलीज शुक्रवार को ही क्यों होती हैं? दोस्तों, ये सियाप्पा हॉलीवुड की मूवीज से आया था, गॉन विद द विंड, जो कि 15 अगस्त 1939 को रिलीज हुई थी और उस दिन था शुक्रवार। तभी से वहां फिल्में शुक्रवार को ही रिलीज होने लगी और यही ट्रेंड धीरे धीरे इंडिया में आ गया। जैसे कि मुगले आजम 15 अगस्त 1960 शुक्रवार को रिलीज हुई, जिसके बाद तो भैया शुक्रवार के दिन सभी डायरेक्टर्स पता नहीं क्या हो गया, उन्हें बहुत पसंद आने लगा। इसका रीजन ये भी है कि शुक्रवार हफ्ते का आखिरी वर्किंग डे होता है, तो डायरेक्टर्स को लगता है कि यार लोग ज्यादा आएंगे देखने के लिए। और आपको बता दूं कि इंडिया की 90% फिल्में शुक्रवार को ही रिलीज होती हैं। भारत में कहते हैं कि शुक्रवार लक्ष्मी का दिन है, इसी वजह से डायरेक्टर कुछ लालच के चक्कर में लॉन्च कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। नंबर 2, दोस्तों क्या आपको पता है कि आज के जमाने में पोते पोतियों से ज्यादा दादा दादी जिंदा हैं? यूनाइटेड नेशन के मुताबिक हिस्ट्री में यह पहली बार हुआ है कि जब पोते पोतियों की जनसंख्या कम हुई है और दादा दादियों की ज्यादा। 2008 में 65 साल से अधिक बुजुर्गों की संख्या 5 साल के बच्चों से ज्यादा हो गई। बुजुर्गों की तादाद 70.5 करोड़ और वहीं बच्चों की तादाद 68 करोड़ रह गई। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक जो उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो किसी दिन बुजुर्ग इस दुनिया पर राज करेंगे। क्या बात है। नंबर 1, दोस्तों आप सबने देखा होगा कि जब हम घर के बाहर निकलते हैं तो मच्छरों का ढेर हमारे ऊपर मंडराता रहता है। हमने कभी ना कभी इसको अपने मन में सोचा तो होगा, पर कभी इसका सवाल का जवाब नहीं ढूंढा। तो सुनो, इसके कई कारण हैं। दोस्तों, मच्छर कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गंध, पसीना और गर्मी में रुचि रखते हैं, जिसे आप लगातार निकालते रहते हो, और मच्छर इन सब के शौकीन होते हैं। और इसके साथ मच्छर सर पर लगा हुआ तेल, इसके भी बहुत दीवाने होते हैं, जिससे आपको ज्यादा पसीना निकलता है और मच्छर आपका खेड़ा नहीं छोड़ते, मतलब आपका पीछा नहीं छोड़ते। क्या बात है। दोस्तों, आज का सवाल, आपके पास ऐसा क्या है जो आपका होते हुए भी आपका नहीं है? काफी लोगों ने गैस कर भी लिया होगा। अगर जिसको नहीं समझ में आया है, जिसको नहीं पता है, वो अपना दिमाग दौड़ाओ यार और आंसर बताओ। अगर जिसको नहीं पता है तो मैंने इंस्टाग्राम पर फोटो डाल दी है, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। पर उससे पहले आप यहीं पर ट्राई करो, और अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा है, आप इंस्टाग्राम पर फोटो के नीचे ईमानदारी से लिख देना, मुझे नहीं पता था, आंसर देख के। बी ऑनेस्ट, आप एक बार ट्राई जरूर करो, क्या पता आपको इस सवाल का जवाब मिल जाए। सोचो। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोको, और आज का लाइक एम है 1,01,000 लाइक्स। मुझे पता है कि आप कर दोगे, तो ठोको लाइक। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली टेली भी दबाएं, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ इसी चैनल में है और कहीं नहीं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो बिना गाली दिए ओके बाय।